भारत के अंदर वह कुवत है, ताकत है, यह हमने सिद्ध कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जिसने भ्रष्टाचार किया है वो बचेगा नहीं। इससे पहले जनता का पैसा नेहरू परिवार पर खर्च हुआ, जो भी दोषी होगा उसे मध्यप्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों नेताओं से पूछताछ पर उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में जांच की एक प्रक्रिया होती है, उसका पालन होगा। दिग्विजय सिंह पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने मध्यप्रदेश की स्थिति को बद से बदतर कर देश में आतंक को संरक्षण देने का काम किया। दिग्विजय सिंह जी को मालूम है कि कांग्रेस में और मध्य प्रदेश में उनकी स्थिति बद से बदतर है, इसलिए आप लोगों का मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ऐसे विवादास्पद मुद्दे उठाकर समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र में जनता के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किसी व्यक्ति का एक्सेप्टेंस चुनाव के रिजल्ट से पता लगता है। भोपाल में 3.5 लाख वोटों से वो हारे। कांग्रेस की सरकार गिरी तो कांग्रेस के वो विधायक जो नाराज होकर बेंगलोर गए थे और बाकी स्थानों पर गए थे, उन्होंने कहा था कि इस पूरे असंतोष के पीछे दिग्विजय सिंह जी हैं। इस देश में कभी भी आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात आती है तो अग्रसर के रूप में दिग्विजय सिंह जी आगे आते हैं। इस देश में जब भी अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार की बात आती है तो उनको संरक्षण देने का काम दिग्विजय सिंह जी करते हैं, और हम उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी करके अपना समय बर्बाद करें, मुझे नहीं लगता ये उचित है। राम मंदिर के राशि संग्रहण पर हो रहे पथराव पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि